भारत के सवर्ण दुनिया के जिन भी देशों में गए वहाँ जाति को साथ ले गए और अब एक वैश्विक समस्या के तौर पर जाति बन गई है। लेकिन फिर भी ये सवर्ण मानसिकता के जो लोग हैं दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, ये ऐसा दिखाते हैं कि जातिवाद तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जाति तो कोई समस्या है ही नहीं। क्योंकि ऐसा ही एक मसला गूगल के साथ हुआ है। सर्च इंजन जो गूगल है, वहाँ सिलिकॉन वैली में उनके दफ्तर में एक चर्चा होने वाली थी जाति की समस्या पर। गूगल का जो ऑफिस है उसके अंदर एक प्रेजेंटेशन होनी थी कि किस तरह से आप सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचते हैं, आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से बचते हैं, उसी तरह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से कैसे बचना है, कैसे जाति एक बड़ी समस्या है, इस मसले पर एक वहां पर प्रेजेंटेशन होने वाली थी, कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया ये कहकर कि जो वक्ता वहां पर हैं वो हिंदू फोबिक हैं, वो एंटी हिंदू काम करती हैं। और ये वहाँ के सवर्ण वर्कर्स ने कहा, जो गूगल के सवर्ण एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने अपने सीईओ को, अपने ऑफिस स्टाफ को लगातार ईमेल किए कि ऐसे व्यक्ति को मत बुलाएं। किनको बुलाया था वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिटी लैब नाम की एक संस्था है जो अमेरिका में काम करती है और दुनिया के कई अलग इलाकों में भी काम करती है, जिसकी जो फाउंडर हैं वो थेनमोजी सुंदरराजन हैं। और वो दुनिया भर के अलग अलग जो कॉरपोरेट ऑफिस हैं वहाँ पर जाति के खिलाफ प्रेजेंटेशन देती हैं, एंटी कास्ट एक्टिविस्ट हैं और लोगों को जाति आधारित भेदभाव से बचने की चीज़ें बताती हैं, जाति की एक समस्या के तौर पर उसको डिस्कस करती हैं। वो लगातार दुनिया के अलग अलग इलाकों में काम करती हैं और अमेरिका की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में वो इस तरह की प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं। तो थेनमोजी सुंदरराजन को गूगल के तरफ से इनविटेशन मिला था, उन लोगों को गूगल ने जो है बाकायदा इनवाइट किया था थेनमोजी को कि आप हमारे यहाँ आइए और जाति की समस्या को डिस्कस कीजिए, जाति कितनी बड़ी एक चीज़ है उसके बारे में वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को समझाने वाली थी कि किस तरह से जाति आधारित भेदभाव होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। गूगल के इन्विटेशन पर वो गई, लेकिन वहाँ पर वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने, जो सवर्ण एम्प्लॉयज हैं उन्होंने लगातार एक माहौल बनाया, बहुत सारे ईमेल किए और ये कहा कि ये थेनमोजी सुंदरराजन को ना बुलाया जाए, जाति कोई समस्या नहीं है, जाति पर बात नहीं होनी चाहिए, ये महिला एंटी हिंदू है, हिंदू फोबिक है, हिंदुओं के बारे में ऐसा बोलती रहती है। और वहाँ पर जो विरोध हुआ उसके बाद गूगल ने अपना इनविटेशन विड्रॉ कर लिया और उनको वहाँ वो प्रेजेंटेशन देने से रोक दिया, वो वहाँ पर जाति पर बात नहीं कर पाई। ये हुआ है गूगल के दफ्तर में अमेरिका में, वहाँ के जो सवर्ण एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वजह से उन्होंने थेनमोजी सुंदरराजन को बोलने से रोक दिया, ये खबर आ रही है। और उनको दलित हिस्ट्री मंथ यानी कि अप्रैल का जो महीना हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और अपने महानायक और महानायिकाओं के सम्मान में जिसको हम दलित हिस्ट्री मंथ के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, उसी दौरान उनको वहाँ जाना था, अप्रैल में उनको प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन गूगल की तरफ से अपना इन्विटेशन विड्रॉ कर लिया क्योंकि वहाँ के सवर्ण एम्प्लॉयज़ ने उनके आने का विरोध किया था। जो गूगल है उसके सीईओ सुंदर पिचई हैं, भारत के ही तमिलनाडु के ब्राह्मण कुल में जन्मे सुंदर पिचई वहाँ सीईओ यानी कि गूगल की सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। उनको अपने अपने एम्प्लॉयज़ को ये बात समझानी चाहिए थी कि जाति कितनी बड़ी समस्या है, क्योंकि अमेरिका में बार बार जाति उत्पीड़न की घटनाएँ सामने आ चुकी हैं, चाहे वो सिस्को का मामला हो, चाहे वहाँ के अक्षरधाम मंदिर में गुजरात से दलित वर्कर्स को ले जाके बंधक बनाकर बंधुआ मजदूरी कराने का मामला हो, या वहाँ के यूनिवर्सिटी कैंपसेज में जाति आधारित भेदभाव के मसले हुए हों, वहाँ अमेरिका में जाति एक समस्या के तौर पर पहचानी जा चुकी है। वहाँ की कई सारी यूनिवर्सिटी जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ नीतियाँ बना चुकी हैं और जिस तरह से वो नस्ल के आधार पर भेदभाव का विरोध करते हैं उसी तरह से जाति के आधार पर भेदभाव का विरोध किया जा रहा है। ऐसे समय में जब अमेरिका में जाति के खिलाफ माहौल है और जो वहाँ पर जाति है, जो वहाँ पर सवर्ण बसे हुए हैं वो अपने अंदर जाति का कीड़ा लेकर जाते हैं, उसके ऊपर अब एक वहाँ डिस्कशन हो रहा है, डिस्कोर्स हो रहा है, ये वहाँ की मुख्य धारा का समस्या बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद सुंदर पिचाई ने अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं समझाया और जो उनके मेल थे उसके आधार पर उन्होंने थेनमोजी सुंदरराजन को बोलने से रोक दिया। अब आप अगर ये सोचें कि सुंदर पिचाई को मालूम ही नहीं होगा कि जाति क्या है, वो तो अमेरिका में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो तमिलनाडु में पले बड़े हैं, ब्राह्मण कुल में पले बड़े हैं, उनके उपनयन संस्कार से लेकर शादी ब्याह तमाम चीज़ों पर वो सब चीज़ें देख चुके हैं और किस तरह से भारत में जाति का जो सबक है वो सबसे पहले घरों में सिखाया जाता है, अपने घर से ही लोग बता देते हैं किसके साथ खेलना है, किसके साथ खाना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ स्कूल में बात नहीं करनी है। तो जाति की जो कास्ट ट्रेनिंग है वो घरों से होती है और खासकर जो अपर कास्ट अपने आप को मानने वाले लोग हैं, जो जन्म के आधार पर अपने आप को ऊंचा और दूसरों को नीचा मानते हैं, वो अपनी
नस्लों को अपने बच्चों को घरों से ही सिखा देते हैं तो सुंदर पिचाई जाति के बारे में नहीं जानते, ये कहना गलत होगा। थेनबोजी सुंदरराजन ने सीधे सुंदर पिचाई को ईमेल किया कि देखिए ये समस्या है, जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उस पर मुझे बात करनी है और आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो इंक्लूसिव फील करें, उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव ना हो, इसलिए ये एक कहीं की वर्कशॉप रखी गई थी। लेकिन सुंदर पिचाई ने उनका कोई जवाब नहीं दिया और इसके खिलाफ जो है गूगल की ही एक वर्कर ने, जिन्होंने थेनबोजी सुंदरराजन को इनवाइट किया था, तनुजा गुप्ता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये खबर भी आई कि तनुजा गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया और गूगल पर आरोप लगाया कि गूगल इस तरह से भेदभाव कर रहा है, जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने की एक कोशिश के तौर पर उन्होंने इसे देखा और उन्होंने गूगल को से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये एक बड़ी खबर आई तो एक विरोध का स्वर भी वहां पर सुनने को जरूर मिला कि किस तरह से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में जिनमें भारत के लोग काम कर रहे हैं, जिनके बड़े बड़े पदों पर भारत के लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जाति की समस्या को कैसे ढो रहे हैं, कैसे वहां जाति के आधार पर भेदभाव को एक कहें कि आंख बंद कर देख रहे हैं और ये मान के ये कह के ये प्रचार करके कि हमारे यहाँ तो जाति कोई समस्या ही नहीं है, हम लोग तो जातिवाद करते ही नहीं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हैं, इसलिए जाति पर डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है, जबकि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो जाति को मानते हैं। क्योंकि लगातार ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे ये साबित हुआ कि भारत से जितने भी सवर्ण विदेशों में गए हैं वो जाति को साथ लेके गए और वहां जातिवाद का जहर उन्होंने फैला दिया और बाकी जो लोग हैं, जो फेलो इंडियंस हैं, जो कि उनके हिसाब से लोअर कास्ट हैं, उनके साथ वो जाति आधारित भेदभाव करते हैं। इस बारे में बीबीसी की रिपोर्ट भी आई थी, सेबेस्टियन ने जो रिपोर्ट उनके लिए की थी उसमें उन्होंने बाकायदा ये रिसर्च करके ये खुलासा किया था कि किस तरह से भारत के लोग वहाँ अपनी जाति का प्रैक्टिस करते हैं, दूसरों से जाति का नाम पूछते हैं, गोत्र पूछते हैं और अपनी जाति के ग्रुप बनाकर रहते हैं और दूसरे लोगों से भेदभाव करते हैं। ये बाकायदा रिसर्च में साबित हुआ था, बीबीसी की रिपोर्ट में साबित हुआ था। वहाँ कई सारे जो कास्ट विक्टिम थे उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उनके जो साथी जो कर्मचारी थे वो उनके कंधे पर हाथ मारकर ये देखते थे, ऐसे कमर पर सहलाकर ये देखते थे कि उसने जनेऊ पहना है या नहीं, क्योंकि जनेऊ की जो रस्सी है, जो भेदभाव की रस्सी है, उसको वो देखना चाहते थे कि इन्होंने जनेऊ पहना है या नहीं, वो हाथ मारकर देखते थे और ऐसे वो नहीं पता कर सकते थे। तो एक व्यक्ति ने बताया कि वो उनको स्विमिंग करने के लिए बुलाते थे कि चलिए पूल में चलते हैं, स्विमिंग करेंगे, कहीं पे झील पे चलते हैं, कहीं पे भी चल के नहाएंगे धोएंगे, ताकि जब वो टी शर्ट उतारें, कपड़े उतारें, तो वो उनका जनेऊ देख सकें, ये पता कर सकें कि वो ब्राह्मण हैं या फिर कोई दूसरी जाति के व्यक्ति हैं। ये काम वहाँ पर भारत के सवर्ण लोग कर रहे हैं, बाकायदा जाति पर वहाँ पर समस्या के तौर पर उस पर चर्चा हो रही है, खबरें बनती हैं, लगातार वहाँ डिस्कशन होता है, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार हो रहे हैं, कास्ट इन इंडिया और कास्ट इन यूएसए जैसे टॉपिक्स पे वहाँ पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, दुनिया भर से लोग वहाँ बातें कर रहे हैं। तो जाति को अब वहाँ एक समस्या के तौर पर देखा जा रहा है और बाकायदा ये भी मांग उठ रही है कि आपको यहाँ पर जिस तरह से भारत में SC ST एक्ट है, यानी कि एट्रोसिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के खिलाफ एक जो स्पेशल कानून है, उसी तरह से अमेरिका में और ब्रिटेन में, अलग अलग मुल्कों में ये मांग उठ रही है कि वहाँ पर आपको एंटी कास्ट लॉ बनाने होंगे जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सुरक्षा देंगे, जो पीड़ित होंगे उनके लिए मुआवजे की, उनके उनके संरक्षण की, उनको काउंसलिंग की, उनके लिए शेल्टर की, इस तरह की व्यवस्थाएं करने की मांग वहाँ होती है कि ये किस तरह से लोगों के दिमाग पर बुरा असर डालता है, लोगों को डिप्रेशन में धकेल देता है और बहुत बार लोग बहुत खौफनाक कदम उठा लेते हैं जाति आधारित जो भेदभाव है उसके पीड़ित। तो ये समस्या वहां पर बड़ी हो गई है, विकराल हो गई है, अमेरिका में बाकायदा इस पर बात हो रही है, लेकिन सवर्ण जो है वो कह रहे हैं कि जाति तो कोई समस्या ही नहीं है। इसी तरह आप भारत में देखेंगे, ये बोलेंगे कहां है जाति, जाति तो अब है नहीं, जाति तो खत्म हो चुकी है, अब सब हम भारतीय हैं, सब हम हिंदू हैं, लेकिन यहाँ मूछें रखने पर आपका गला काट देंगे, आपको घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, गोली मार देंगे, आप पढ़ने लिखने जाएंगे तो वहाँ आपका उत्पीड़न होगा, इंस्टीट्यूशनल मर्डर आपके हो जाएंगे। रोहित वेमुला हमको याद है, पायल तड़वी हमको याद है, हमारे लोगों के साथ क्या क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। तो जाति के आधार पर भेदभाव से इनकार करना बहुत बड़ी मक्कारी है, इसको मैं मूर्खता भी नहीं कहूँगा कि उनको मालूम नहीं है, दरअसल उनको सब मालूम है कि जाति कितनी बड़ी समस्या है, जाति के वजह से उनको कितने फ़ायदे हुए हैं, उनके लिए कितनी प्रिविलेज है कास्ट
कास्ट, वो कितने सारे अपॉर्चुनिटीज को पाते हैं जाति की वजह से, और फिर उसके बावजूद वो कहते हैं कि जाति तो है ही नहीं, हम तो अपने दम पे काम कर रहे हैं, हमारे लोगों ने संघर्ष किया, इस तरह के वो दावे करते हैं, संस्कृति का ढोल पीटते हैं और दुनिया भर में जाके कहते हैं कि हम तो भारतीय हैं, लेकिन अपने भारतीयों के साथ वो खाना नहीं खा सकते, उनके साथ शादी ब्याह नहीं कर सकते, अपने घरों में उनको एंट्री देते नहीं, अपने उनके उनके घरों में दो दो बर्तन रखे रहते हैं कि किस में उनको पानी देना है, किस में उनको खाना देना है। इस तरह की प्रैक्टिसेस करने वाले लोग जब दुनिया के अलग अलग मुल्कों में गए तो वहां भी जाति का कीड़ा, जाति का जहर साथ लेके गए और जातिवाद को एक ग्लोबल समस्या बना दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत के जो लोग हैं, खासकर जो सवर्ण मानसिकता के लोग, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, वो दुनिया में जहां भी जाएंगे जाति की समस्या को साथ ले जाएंगे और फिर जाति एक ग्लोबल समस्या बन जाएगी, एक वैश्विक समस्या बन जाएगी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दूरदृष्टि देखिए कि उन्होंने जो बातें कही थी वो सच साबित हो रही हैं। ये लोग जहां जा रहे हैं वहां जातिवाद फैला रहे हैं, वहां जाति का जहर बो रहे हैं, भेदभाव को कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, ये मक्कारी कर रहे हैं। और गूगल ने जो किया उसका भी ये एक पुख्ता उदाहरण है कि किस तरह से वहां के जो सवर्ण एम्प्लॉय थे उन्होंने थेनमोजी सुंदरराजन का विरोध किया, उनको कास्ट डिस्कशन करने से रोक दिया, जाति की समस्या पर बात करने से रोक दिया। और जो उनके सीईओ हैं तमिलनाडु के, तमिल ब्राह्मण सुंदर पिचई, उन्होंने इस पर कोई विरोध नहीं जताया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ये नहीं कहा कि भाई ये समस्या है, इस पर बात की जानी चाहिए, अगर किसी आधार पर किसी के साथ भेदभाव होता है तो उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता, उस पर रोक लगानी चाहिए, ये एक बात होनी चाहिए थी सुंदर पिचई की ओर से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके खिलाफ उनकी ही एम्प्लॉय तनुजा गुप्ता ने विरोध में इस्तीफा दे दिया है। थेनमोजी सुंदरराजन ने भी कहा है कि भाई एक जाति की समस्या को दरकिनार करके भेदभाव को बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि जब आप बात ही नहीं करेंगे तो भेदभाव होता रहे, आप फिर उसके खिलाफ कोई नीति नहीं बनाएंगे, कोई आपके पास में सेल नहीं होगा जहां पर शिकायत कर सके, कोई कंप्लेंट करने के लिए कोई आपके पास प्लेट नहीं होगी, तो आप जाति की समस्या को बनाए रखना चाहते हैं और भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। ये गूगल पर सीईओ सुंदर पिचई पर, उनके सवर्ण जो एम्प्लॉई थे उन पर ये गंभीर आरोप लगा है। अब ये जरूरी है कि भारत के जो वहाँ अम्बेडकरवादी संस्थाएं हैं वो इसका विरोध करें, हम भी लोग लिखें, पढ़े लिखे हो इसके बारे में ज़बरदस्त विरोध हो, गूगल को लेके हम कोई हैशटैग शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं कि कैसे वो कास्टिस्ट है, कैसे वो जातिवादी है और अमेरिका में वो जाति की समस्या को दबाने में और भेदभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके बड़े बड़े पदों पर भारत के सवर्ण लोग बैठे हुए हैं। इस मसले पर आपका क्या कहना है, आप इस समस्या को कैसे देखते हैं, उस पर अपनी राय जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपसे अपील है कि घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।